हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A30 के बारे में। जानता हूं A30 का एंड्रॉइड 11 का अपडेट अभी तक नहीं आया, मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन में लिंक है, देख लेना। अब बात करते हैं A30 के आज के चीज के बारे में। सैमसंग ने नया शेड्यूल अपडेट किया है A30 के लिए और उसको गाइस बाई एनुअल साइकिल कहा है। अब इसके पीछे काफी सारे राज छुपे हुए हैं। अगर आप चैन से सो रहे हो तो भाई जाग जाओ, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है A30 के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर दिया, बहुत नीचे चला गया A30 का शेड्यूल। और साथ में एक एक चीज बताता हूं कि कौन से अपडेट आपको इंस्टॉल करने और कौन से नहीं करने। बहुत ज्यादा भारी आपके फोन के अंदर हैंग इशू आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखो भाई, सबसे पहले A30 के अंदर जब सैमसंग ने लॉन्च किया था तो क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच लिस्ट के अंदर डाल दिया था। साल में काफी अपडेट मिल जाते थे और अपडेट की क्वालिटी भी अच्छी होती थी, ऐसे कुछ बेकार अपडेट नहीं होते थे। अब क्या सीन है कि देखो, एक अपडेट A30 को अब मिला तो उसके बाद आपको सेकेंड अपडेट पूरे साल में कभी भी मिल सकता है। मतलब भाई पूरे साल में सिर्फ दो अपडेट, एक पहले मिल जाओ या बाद में, या चाहे दोनों इकट्ठे मिल जाओ, पूरे साल में दो ही अपडेट मिलेंगे। सिक्योरिटी पैच होंगे और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट सैमसंग करता है, फीचर्स डाल देता है, वो फीचर्स भी नहीं आने वाले। और साथ में अगर मैं बात करूं गुड लॉक वगैरह के बारे में, गुड लॉक के अगर नए आगे फ्यूचर में मॉड्यूल्स आते हैं वो भी A30 के अंदर नहीं आएंगे, उसके लिए भी कैंसिल कर दिया। अब इतनी ज्यादा क्या सैमसंग को A30 से नफरत हो गई? भाई दिक्कत ये है कि सैमसंग ने काफी सारे फोन लॉन्च कर दिए एकदम, और इन्हीं फोन्स की वजह से सैमसंग की टीम के ऊपर बर्डन आ गया कि भाई अगर फोन्स लॉन्च किए हैं तो उनकी इंप्रूवमेंट भी तो करो, फीचर्स भी तो डालने हैं यार, उसकी केयर भी तो करनी है, सिक्योरिटी पैच भी तो देने हैं अपडेट्स। तो इसीलिए सैमसंग की टीम ने डिसाइड किया काफी सारे फोन्स के अपडेट शेड्यूल को नीचे गिरा देते हैं, उनके अपडेट्स कम कर देते हैं, वहां से जो टाइम बचेगा उस टाइम को लगाया जाएगा नए फोन्स के इंप्रूवमेंट के लिए। और भाई देखो, अब एंड्रॉइड 11 का अपडेट जब आएगा A30 के लिए, उसके बाद पूरे साल में 2021 में तो बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया फिर भी कि 2021 में आपको दो मेजर ओएस अपग्रेड और मिलेंगे। मतलब जो दो मेजर ओएस अपग्रेड है बाई एनुअल, वो अभी तक तो यही न्यूज है कि A30 के काउंट नहीं किए गए जो पहले मिल चुके हैं, अब इस साल में आगे वाले काउंट होंगे। यानी एक तो आपको जो एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट मिल रहा है वो तो पॉलिसी में था, वो तो अलग है, मिल जाएगा। उसके बाद पूरे साल इस साल में आपको सिर्फ दो अपडेट और मिलेंगे, वो भी सिक्योरिटी पैच, फीचर्स नहीं होंगे, ना कोई इंप्रूवमेंट होगी। और अगर कोई हार्डली बग आ जाता है जिसकी वजह से आपके फोन के अंदर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, उस केस में एक्सेप्शन के तौर पे आपको कोई अपडेट मिल सकता है, बाकी वैसे कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। और ये तीसरा साल है A30 का, और सैमसंग ने कहा था कि हम सिर्फ 4 साल तक ही अपडेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो भाई मैंने इस साल का पूरा शेड्यूल बता दिया, नेक्स्ट ईयर का क्या है, अगले साल भी दो मेजर ओएस अपग्रेड आपको मिल जाएंगे। टोटल अगर आप एंड्रॉइड वर्जन को हटा दो, सिर्फ 4 सिक्योरिटी पैच और रहते हैं A30 के, और 4 सिक्योरिटी पैच आने के बाद A30 फाइनली डेड हो जाएगा। A30 के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और मैं आपको अब बताता हूं कि अपडेट आपको इंस्टॉल कौन से करने और कौन से नहीं करने, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन सा अपडेट बढ़िया है कौन सा बेकार है। तो भाई ध्यान से सुनना बिल्कुल, आपको अब अपने फोन के अंदर कोई भी अपडेट इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ एंड्रॉइड 11 यूज करना है, उसके बाद जो भी अपडेट आए इंस्टॉल मत करना, आपका फोन ज्यादा दिन चल जाएगा। वरना फालतू अपडेट इंस्टॉल करोगे सैमसंग उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत डाल देगा, आपको फोर्स करेगा कि पुराना फोन खराब होगा तभी तो नया परचेज करोगे। और जिन लोग के फोन के अंदर अभी कोई दिक्कत आ रही है तो भाई उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर हर प्रॉब्लम के लिए अलग वीडियो है, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नई वीडियो देखो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। बाकी भाई एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं कि जब से अपना चैनल मैंने शुरू किया है तब से मैंने एक बार भी फेस कैम वीडियो नहीं बनाई, फेस रिवील नहीं किया, लेकिन भाई नेक्स्ट वीक आपको फेस रिवील वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, वो वाली वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और साथ में इस वीडियो को अनलाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों काफी सैड हो गए A30 की ये न्यूज सुन के। लेकिन एक चीज बता दूं, मैंने आपको इसलिए ये चीज बताई है क्योंकि आप तैयार हो जाओ और कोई भी अपडेट इंस्टॉल मत करो जो सैमसंग फालतू का देगा, तो आपके भले के लिए चीज बताई है। बाकी जिन लोगों को डाउट है इस चीज में, भाई उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने उस आर्टिकल का लिंक डाल दिया जहां पे सैमसंग ने ये चीज पब्लिश की है। और यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीक कौन से डे को आपको वो फेस रिवील वाली वीडियो देखनी है, मैं उसी डे को वो वाली वीडियो पब्लिश कर दूंगा। और साथ में भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब वाले बटन को घेर लो, दबोच लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।